सगी भाई के लिए तालियां जोर से। अंकल अंकल एक बार देख लो, अंकल अंकल एक बार, अंकल एक बार देख। अरे भाई ट्रेन जैसा चल रहा था। तो ये है पासपोर्ट ऑफिस, ये पूरी बिल्डिंग है पूरी। भाई अभी हमको यहाँ से पार करना है, कहाँ से जाएंगे? किया वाला भी है भाई, कैसे जाएगा? उसका बम्पर टूट जाएगा। ऐसा लग रहा है ना अंदर के शरीर का जो सामान होता है ना यहाँ से वहाँ। अभी सही में भाई मेरे हाथ में झुंझुनी आ गई है। हेलो, हाँ उतार लो, दो मिनट बस। एंटीडिनोवो पर्सनल रिकॉर्डिस्ट व्लॉग। तो भाई यार इतनी गर्मी हो रही है, कल रात में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी, उसके बाद भी यार ये गर्मी निकल ही नहीं रही जमीन से। इतनी गर्मी में मुझे जाना है पासपोर्ट ऑफिस उसामा के साथ। उसामा का काम है, पासपोर्ट ऑफिस है थाने में। ऐसे वक्त पे दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? सही बात है, पासपोर्ट ऑफिस में कभी गया नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो जाके देखता हूँ भाई क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होता है। बस एक नॉर्मल सा फन व्लॉग बनाएंगे आज, तो मैं मिलता हूँ, वो वेट कर रहा है नीचे। ठीक है चलो। धूप है भाई इसलिए मैं चश्मा ले लिया, आंखों में चुभना नहीं चाहिए। अरे तो तैयार होकर कहाँ जा रहा है? आया पूरा ड्रेसिंग मार के। कैसे जाएंगे? ऐसे ही चल। अबे गाड़ी निकाल ना, तू बोला था साले गाड़ी यही के लिए आया हूँ। तो हमारे साथ एक प्रैंक किया गया, उसामा हमको बोला कि हमको जाने का है बस से, गाड़ी से नहीं जाने का है। और फिर ठीक है अभी जा रहे हैं हम पेट्रोल भराने के लिए। हाय अंकल, अंकल भी हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं। अंकल अंकल एक बार देख लो, अंकल अंकल एक बार, अंकल एक बार देख, एटीट्यूड आ गया अंकल। भाई जो गर्मी हो रही है ना, बहुत खतरनाक वाली गर्मी, और ऊपर से मैं डार्क कलर पहन लिया हूँ, मतलब नेक्स्ट लेवल यार। मुझे समझ में नहीं आ पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ कैसे रहती है भाई, लोग इतनी गाड़ी चला रहे हैं या फिर पेट्रोल नकली आ रहा है। तो अपन पकड़े ना जाए। यहाँ पे सबसे ज्यादा चेकिंग होती है भिवंडी में कल्याण नाके पे, और एक बाईपास पे। तो सीन ये है कि हम बाईपास पहुंचने वाले हैं, अब यहाँ से मैं चलाऊंगा, और यहाँ से हेलमेट जरूरी है। तो इसके आगे से पुलिस वाले भी होते हैं बाईपास के पास। हेलमेट पहन के चलाना ठीक है, हाईवे पे ऐसे रिस्क मत लिया करो। तो मैं ठीक है मैं मिलता हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे ट्रेन जैसा चल रहा था। भाई डालिए बाल, देखो बाल सही है। अबे बाल तो मेरा और अच्छा हो गया भाई। सीन ये है कि हम कैसे कैसे एक घंटे में पहुंचे, ट्रैफिक की वजह से जो था ना, जो डिसीजन लिया ना गाड़ी से आने का, फटाफट ट्रैफिक में कट कुट मार के बाइक रहती तो निकल जाते। अभी पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच गए, 45 मिनट पहले पहुंच गए, अपॉइंटमेंट लेना रहता है तो 45 मिनट बाद गए। तो अभी पानी वानी पीते हैं। तो ये है पासपोर्ट ऑफिस, ये पूरी बिल्डिंग है पूरी। उसके बाद उसामा अपने टाइम के हिसाब से अंदर चले गया था, और मैं बाहर बैठे बैठे ये सोच रहा था कि ये तो थोड़ा गवर्नमेंट वाला काम है, इसमें टाइम तो बहुत लग जाएगा, और अपनी हालत पहले से खराब है, अब वेट कर करके और हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मेरे को तो लगा था एक आध घंटा लगेगा, लेकिन जो टाइम का अपॉइंटमेंट था उससे 2 मिनट पहले ही बाहर निकल के आ गया। अच्छा मेरे को लगा बहुत टाइम लगने वाला, लेकिन हो गया, सुपर फास्ट काम अपना। देखते इसीलिए बोलते हैं ड्रेसिंग मार के आने, देखते ही सीधा ले लिया। बोले चलो जल्दी सर, अभी जाना है, बुक्स लेना है, डाइजेस्ट
11th की और हमें नॉवेल लेना है। इतनी सारी बुक मेरे घर पे मेरी रखी है, वो पूरी पढ़ चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी फ्रिक्शनल बुक भी पढ़ूं, क्योंकि मैं जितनी भी बुक पढ़ा हूँ सब सेल्फ हेल्प बुक है, और मुझे भी लेना था, उसामा को तो लेना ही था नॉवेल। अब सब हमारे ग्रुप वाले सब लड़के लोग भाई हम सब डिसाइड किए कि नॉवेल पढ़ेंगे, अब बहुत काम आता है। बुक स्टोर पे आए हुए थे उसामा के भाई के बुक लेने हुए, दो बुक लिए हूँ, बहुत अच्छी अच्छी दो बुक मिल गई है पढ़ने के लिए। मुझे भी नॉवेल वाली बुक बता दो कौन सी लिए, अबू सालिम वाली और एक मिर्जा गालिब की मिली है भाई। शायरियाँ भी पढ़ेंगे, गजल पढ़ेंगे। अब क्या करने का, चिल करेंगे अभी, चिल का हुआ। मिलता हूँ मैं एक मिनट। भाई अभी हमको यहाँ से पार करना है, कहाँ से जाएंगे, किया वाला भी है भाई, कैसे जाएगा, उसका बम्पर टूट जाएगा। पकड़ भाई, वीडियो चालू रहेगा, देखते कैसे। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यार वहाँ से चला के आते मेरे ये हाथ में ऐसे झुनझुनाहट आने लगी है। जिंदगी में कभी कालेर के रास्ते से मत आना, इसके बोलने पे आया। मुझे क्या मालूम था कि क्या ऐसा, मैं बोल रहा था भाई कि रास्ता सही नहीं है, इसको लगा कि वो थोड़ा बहुत खट्टा होएगा। भाई मेरी हालत खराब हो गई है। ड्रेसिंग के बारे में कुछ बोला जा रहा था। ये बर्बाद जूता, अपना साफ हो जाएगा। चलाते हुए तो ऐसा लग रहा था बीच में से टूट जाएगी गाड़ी आज। तो ये थी यहाँ तक की कहानी, इसके आगे की कहानी मैं आपको बोलने से अच्छा दिखाना पसंद करता हूँ। तो आई वॉज इन्वाइटेड टू अ इवेंट जो कि डिजायर मैन की तरफ से स्पॉन्सर्ड था एंड अब बिजनेस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड आई हैव बीन रिवॉर्डेड विद एन एप्रिसिएशन अवार्ड फॉर बीइंग अ ब्लॉगर एंड अ यूट्यूबर ऑफ भिवंडी। अगर आप मेरा बहुत पहले से वीडियोस देखते हो तो यू नो वेरी वेल कि जो पीछे ट्रॉफीज रखी है उसमें से मेरी एक भी नहीं है। सो दिस इज माई फर्स्ट ट्रॉफी जो मेरे पास आई है, वो भी यूट्यूब के थ्रू आई है मेरे पास। थैंक यू डिजायर मैन एंड अ बिजनेस फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल एंड अ ग्रेट इवेंट। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, और ये ट्रॉफी अभी वहाँ पे सजा दूंगा। फर्स्ट ट्रॉफी आ गई हमारी वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करके जा सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो सबसे पहले जाके फॉलो कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके कमेंट भी कर दो, और आपको किस टाइप का कॉन्टेंट देखना वो भी आप बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के आडियोस। एक दो तीन बोलूंगा ना तो भागने का है, एक साथ कर प्लीज, और बारिश होगा भागेगा ना एक दो भाई मेरे को भी तो जाने पड़ेगा, मैं तो फोन रख के जाता।